Hello everyone, I'm Aditi Singh and I'm working as an assistant professor in the Department of Biotechnology, Psychology, Bhilai. The topic that I'm going to discuss with you is transcription in prokaryote. And under this topic, I will be discussing prokaryotic transcription, RNA polymerase, steps in transcription, that is initiation, elongation and termination, and then the regulation of transcription. So let's start. So as we all know, prokaryotes are the unicellular microscopic organism which lack an intact nucleus as well as specialized organelles. जैसा कि हम सब जानते हैं, prokaryotes single celled microscopic organisms होते हैं जिनमें intact nucleus या कोई भी specialized organelles नहीं पाए जाते. For example, bacteria and archaea. और transcription वह प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और डीएनए में जो इंफॉर्मेशन कोडेड होता है वह आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में कॉपी होके ट्रांसक्राइब होता है. जैसे मैंने भी बताया, डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी होता है. एंड प्रोकैरियोट्स में जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे एक ही एंजाइम द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज. जैसा कि नाम ही बताता है, यह एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए के पॉलीमर्स बनाता है, राइट? प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 6 सब यूनिट का बना होता है, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, 1 ओमेगा और 1 सिग्मा. इसमें से जो 5 सब यूनिट होते हैं, यानी कि जो 2 बीटा, राइट, बीटा बीटा डैश, अल्फा के दो सब यूनिट और एक ओमेगा, ये पांचों मिलके कोर एंजाइम बनाते हैं. यहाँ पे कोर एंजाइम से मेरा मतलब है इट इज सफिशिएंट टू सिंथेसाइज एन आरएनए मॉलिक्यूल, राइट? यहाँ पे सिग्मा सब यूनिट का रोल सिर्फ प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करना और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट के लिए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन दे सून लीव द कॉम्प्लेक्स एंड देन द कोर एंजाइम टेक्स केयर ऑफ द आरएनए पॉलीमराइजेशन, राइट? सो आगे हम बढ़ते हैं. ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए में कहाँ बाइंड करता है, राइट? यूजुअली आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली डीएनए में कहीं पे भी अटैच होता है. उसके बाद वो स्कैन करना शुरू करता है, राइट? स्कैन करते करते जब उसको प्रमोटर रीजन मिलता है तब वो वहां पे जाके हॉल्ट होता है, यानी रुकता है. तो जो प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन यानी जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता हो यानी बढ़ावा देता हो, उसको हम यहाँ पे प्रमोटर रीजन कह रहे हैं. प्रमोटर रीजन इन प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स कॉल्ड एज -10 एंड -35 एलिमेंट्स. ये -10 इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ पे +1 साइट अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को कहते हैं, यानी कि जहां से आरएनए का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो उससे अपस्ट्रीम रीजन में 10 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये जो एक कंसेंसस सीक्वेंस है, ये -10 एलिमेंट जो है वो लोकेटेड होता है. और वैसा ही -35 रीजन पे एक कंसेंसस सीक्वेंस है जो हेक्सामर होता है, राइट? इसी की तरह वो भी लोकेटेड होता है. और यही तो रीजन है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है सिग्मा सब यूनिट के द्वारा, सिग्मा सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. तो ये इस तरीके का कुछ आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है? सो दिस इज द स्टार्ट साइट, दिस इज स्टॉप सिग्नल where the transcription stops and these are the promoter region in prokaryotes. Now let us see the initiation. Transcription जो होता है prokaryotes में वो तीन steps में हम उसको divide कर सकते हैं, initiation, elongation और termination. तो हम सबसे पहले देखते हैं ये transcription का initiation कैसे होता है. सबसे पहले RNA polymerase जो होता है ये DNA पे randomly कहीं पे भी bind करता है. Then it scans down the DNA. ये scan करता हुआ slide करता है DNA पे और तब तक scan करता रहता है जब तक उसको -35 और -10 element नहीं मिल जाते. जैसे ही इसको ये element detect होते हैं, ये कौन detect करता है? Sigma subunit of the polymerase enzyme, right? जैसे ही ये डिटेक्ट करता है, ये पॉलीमरेज आके यहाँ के हॉल्ट करता है और एक क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है? क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनते ही नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन.
इसे ओपन इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए को अनवाइंड करके ओपन करता है। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट -12 बेस पेयर से लेके +2 बेस पेयर तक डीएनए के सेगमेंट को ओपन कर देता है और ये बनाता है यहाँ पे ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। एज सून एज द डीएनए ओपन्स अप पॉलीमराइजेशन स्टार्ट्स, ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम वो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है और जैसे ही आरएनए के अराउंड 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं सिग्मा सब यूनिट रिलीज हो जाता है। सिग्मा सब यूनिट के रिलीज होते ही आरएनए पॉलीमरेज अपना पूरा इलोंगेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे क्या क्या देखा, इनिशिएशन कैसे होता है, देन क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ पे इलोंगेशन शुरू हो जाता है और इसी प्रोसेस में सिग्मा सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज से डिसोसिएट होकर निकल जाता है। राइट, अब यहाँ पे पूरा आपका आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए फॉर्मेशन कब स्टॉप होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कब और कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एज सच कोई स्पेसिफिक स्टॉप सिग्नल्स नहीं होते हैं। राइट, दो अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे दो मैकेनिज्म्स की, रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म और रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। सो व्हाट इज दिस रो? राइट, रो इज अ प्रोटीन, इट्स अ हेक्सामेरल प्रोटीन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक ऐसा हेक्सामेर प्रोटीन है जो आरएनए को रूट साइट आरयूटी रूट साइट पे बाइंड करता है। राइट, आरएनए में एक ऐसा साइट होता है जहां पे ये रो बाइंड करता है, उस साइट को कहते हैं रूट साइट। जब वो रूट साइट पे बाइंड कर लेता है तो ये उस आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे ट्रांसलोकेट होता जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेट होते होते जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज हॉल्ट होता है, हॉल्ट कब होगा, जब हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। राइट, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ आरएनए पॉलीमरेज हॉल्ट हो जाता है तो रो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए और आरएनए जो होता है उसको रो ब्रेक कर देता है और इस तरीके से आपका आरएनए पॉलीमरेज आरएनए मॉलिक्यूल और रो डिसोसिएट हो जाते हैं डीएनए टेम्पलेट से। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है वेयर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन टेक्स प्लेस। अनदर मैकेनिज्म इज रो इंडिपेंडेंट, जहां पे रो की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है वाया इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स। तो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, डीएनए में ऐसे रीजन होते हैं जहां पे इंट्रिंसिक टर्मिनेटर पाए जाते हैं, यानी कि अगर हम एक इंट्रिंसिक टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दो प्रॉपर्टीज, जीसी रिच रीजन होता है और एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड यू रन। राइट, जीसी रिच रीजन यानी कि जब आरएनए का टर्मिनेशन होने वाला होता है, राइट, उसके जस्ट पहले एक रीजन ऐसा आएगा जहां पे जीसी का नंबर ज्यादा होगा प्लस इनवर्स रिपीट्स पाए जाएंगे जी और सी के, सो दैट हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होगा एज सून एज द आरएनए इज सिंथेसाइज। ठीक है, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन के बाद कुछ यू के स्ट्रेचेस होते हैं, राइट, यूरेसिल के स्ट्रेचेस होते हैं जिसकी वजह से आरएनए का डीएनए के साथ एसोसिएशन वीक पड़ जाता है एज कंपेयर टू द जीसी रिच रीजन हियर इन द हेयरपिन लूप। इस लूप के फॉर्मेशन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ ज्यादा देर तक बाइंड करके नहीं रह सकता और ये जो यू रीजन है ये इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आरएनए आरएनए पॉलीमरेज से प्लस डीएनए से डिसोसिएट हो जाता है और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। राइट, सो और मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए गेट्स टर्मिनेटेड बाय दिस मैकेनिज्म। ठीक है, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर के द्वारा ही मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए जो सिंथेसाइज होते हैं वो इस तरीके से टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के रेगुलेशन पाए जाते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन हम उसे कहते हैं जब वह ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा हो। राइट, इसका एक एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल।
और पॉजिटिव रेगुलेशन तब होता है जब इट लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इसका एग्जांपल है लैक ऑपरन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज. तो हम एक एक करके इन दोनों रेगुलेशंस को देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यहाँ अगर आप देखेंगे इस जीन सेगमेंट में एक आई रीजन है, आई जीन है जो कि एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को कोड करता है. ठीक है, यहाँ पे पी रीजन है जो कि प्रमोटर है, ओ है जस्ट एडजेसेंट टू द प्रमोटर इज ओ रीजन विच इज द ऑपरेटर रीजन. इसी ऑपरेटर पे रिप्रेसर आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है. देन यहाँ पे है आपका जेड जीन, वाई जीन, ए जीन. ठीक है, जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई कोड्स फॉर परमीएज एंड ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, तो जब अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में जब लैक्टोज एब्सेंट होता है उसके सराउंडिंग में, राइट, तो ये जो रिप्रेसर यहाँ से सिंथेसाइज होता है ये रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रमोटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करा सकता. लेकिन एज सून एज वी सप्लाई लैक्टोज फ्रॉम द आउटसाइड द लैक्टोज गेट्स इनसाइड द सेल और वो रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है. रिप्रेसर को बाइंड करने की वजह से रिप्रेसर का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है. इनएक्टिव हो जाने की वजह से इट इज नाउ नो मोर एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन. अब क्योंकि वो ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पा रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली प्रमोटर रीजन में बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा पाएगा. तो ये है एक नेगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब हम देखते हैं पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज की कमी होती है तो अंडर लो ग्लूकोज कंडीशन एडिनाइलेल साइक्लेज जो एक एंजाइम होता है वो एटीपी से सीएएमपी का फॉर्मेशन करता है. इस फॉर्मेशन के दौरान इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं. अब ये जो सीएएमपी बनता है जो कि साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट, ये कैप प्रोटीन को बाइंड करता है. व्हाट इज कैप? कैप इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन. व्हेन सीएएमपी बाइंड्स टू कैप प्रोटीन दे इन टर्न बाइंड टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सब यूनिट से बाइंड करने पर ये स्टिमुलेट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करें. तो ये हो गया आपका एक पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट. तो ट्रांसक्रिप्शन को पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे रेगुलेट किया जाता है प्रोकैरियोट्स में, ये हमने देखा. नेक्स्ट हम देखते हैं पूरा जो समरी हमने अभी तक डिस्कस किया है. प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स विद स्कैनिंग बाय द आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और स्कैन करना शुरू करता है. जैसे ही उसको -35 -10 एलिमेंट्स मिलते हैं वो वहां पे होल्ड करता है, क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनाता है. देन क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जल्दी ही ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डीएनए ओपन होने की वजह से बनता है. डीएनए जैसे ओपन हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है. आरएनए चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होते के 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद ही सिग्मा सब यूनिट रिलीज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज अपना इलोंगेशन स्टार्ट कर देता है. इलोंगेशन टर्मिनेट तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज रो को मीट करता है या फिर रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जिसमें हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होता है, इन दो मैकेनिज्म्स के थ्रू आरएनए फॉर्मेशन का टर्मिनेशन होता है. उसके बाद हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव वे में कैसे होता है, राइट. सो ये था हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. थैंक यू.